हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं, अगर आप भी तीन पत्ती राजी पोकर एंड रमी ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैसे आप बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में यही बात करेंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको सबसे टॉप में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर प्लस बैंक ACC का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर डाल देना है अकाउंट नंबर, यहाँ पर आई एफ सी कोड आपके बैंक के पासबुक में मिल जाएगा, और जो आपने बैंक अकाउंट में ईमेल आईडी डाल रखा होगा वो ईमेल आईडी डालना है, और यहाँ पर पैन नंबर डालना है, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना फुल नेम डालना है जो आपके बैंक अकाउंट में है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर डाल लेना है, बैंक अकाउंट नेम डालना है, ठीक है यहाँ पर, और यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल देना है जो आपके बैंक अकाउंट में है, और यहाँ सबसे लास्ट में आधार नंबर डाल देना है जो आपने बैंक अकाउंट में दे रखा होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है, आपका बैंक अकाउंट जो है ऐड हो जाएगा। अगर आपका बैंक अकाउंट ऐड नहीं होता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।